शशिकला जी, मैं कल रात से सो नहीं पाया। मैं आपको इस नरक में नहीं रहने दे सकता। मैं करूंगा आपसे शादी। शशिकला जी आज से यही रहे हमारे साथ, अब बाकी की बातें सुबह होगी। ऋषिका, शशिकला जी को अपने कमरे में ले जाओ। सुहाना, मेरे लिए तुम जो भी हो, सुहाना या शशिकला, मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। मेरा दिल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। आई लव यू सुहाना / शशिकला। सच? आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहने आया हूं। शशिकला / सुहाना। कौन सी बात है शाह? You marry me? Shashikala / Suhana. Shyam, please. तुम मुझे शशिकला मत बोलो, मैं सुहाना हूं। सुहाना? तो फिर शशिकला कौन है? मतलब मैं ही शशिकला हूं, पर मैं तुम्हारे लिए सुहाना बनने को तैयार हूं। आज से शशिकला का दी एंड हो गया, अब मैं सुहाना हूं, सिर्फ सुहाना, तुम्हारी सुहाना। थैंक्स। La 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 la
डांस कर रही है। भाभी तो मैं कल बनूंगी ईशिका, क्योंकि ईशान मुझसे कल शादी करने वाला है। मतलब ईशान भाई कल आपसे यानी शशिकला से शादी करने वाले हैं? सच? मतलब कल से आप सुहाना भाभी से शशिकला भाभी बन जाएंगी? नो, कल से मैं फिर से सुहाना बन जाऊंगी, मैंने ईशान से कह दिया। ठीक है, आपको आपकी दूसरी शादी मुबारक हो। शायद दूसरी नहीं, दूसरी बार शादी बोल। इसी खुशी में हम नाचेंगे गाएंगे, क्योंकि आज के बाद मुझे आपके रूम में रहना नहीं पड़ेगा। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि ईशान भैया सुहाना भाभी को कैसे लेकर आ गए। वही तो बात है यार, हो सकता है कल सुबह हमें बता दे सब कुछ। बोल के तो ऐसे गया जैसे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से पूरे राष्ट्र को संबोधित करने वाले हैं। भैया आप लोगों को पता है ईशान भाई सुहाना भाभी को वापस क्यों लाए? अरे मेरी प्यारी बहना, उसी विषय पे चिंतन मनन हो रहा है, जैसे ही कुछ निष्कर्ष निकलेगा तुम्हें खबर कर देंगे, ठीक है? आप लोगों को ज्यादा चिंतन मनन करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता चल चुका है। क्या क्या पता चला तुम्हें? ईशान भाई सुहाना भाभी से, मेरा मतलब शशिकला से प्यार करते हैं। पहले सुनो तो सही, ईशान भाई शशिकला से शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ। सॉरी लगी तो नहीं। ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, अब जल्दी से दोनों की शादी करवा देते हैं, सारा झमेला ही खत्म हो जाएगा। खत्म। इंदर भैया क्या हुआ? ईशान भैया सिर्फ इतना ही कहना है क्या? तू क्या इंदर भैया बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है? भैया प्लीज, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ अभी। ईशान तुम्हें पता है इस साल गन्ने की फसल कितनी बर्बाद हुई है, जिसकी वजह से चीनी के भाव आसमान छू रहे हैं। यार प्रॉब्लम हो रही है, रानी मुझे सिर्फ उसकी वजह से चाय में भी सिर्फ एक चम्मच शक्कर दे रही है। यार भैया प्लीज, या क्या आप गन इंदर? हाँ ईशान बोलो, कुछ कहना चाहते हो? वो मैं एक्चुअली डिवोर्स की प्रोसीजर क्या है? डिवोर्स? आप थोड़ा धीरे। किसका डिवोर्स ईशान? नहीं वो द, 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 नहीं नहीं ठीक है, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा मैं। ओके ठीक है। ईशा, ये किसके डिवोर्स की बात कर रहा था? अरे बाप रे, ये तो नई मुसीबत आ गई है। ईशान शशिकला से शादी करना चाहता है, इसलिए शायद शिवराम से उसका तलाक कराना चाहता है। हाँ भैया, ये तो वाकई में नई मुसीबत आ गई, अब क्या करें? यार मैं कुछ भी करके शिवराम को मना लूंगा यार। हाँ पर ये शादी हो जानी चाहिए, यही इस समस्या का समाधान भी है, और इसी में हम सबकी भलाई भी है कि इन दोनों की शादी हो जाए, चाहे शशिकला के रूप में ही क्यों ना हो। हाँ। मगर शिवराम शशिकला को डिवोर्स देने को तैयार होगा? हाँ इंदर भैया, इसमें प्रॉब्लम तो है, जब शिवराम शशिकला का पति नहीं है तो डिवोर्स कैसे देगा? हाँ ये बात तो है, शशिकला बिना डिवोर्स लिए शादी नहीं कर सकती, और डिवोर्स के लिए शिवराम का होना जरूरी है। तो तुझे किसने कहा ये सब कुछ? अरे मुझे सुहाना भाभी ने खुद बताया, और कल सुबह तक तो ईशान भाई भी सबको बताने वाले। फिर तो वो सबसे पहले शिवराम से डिवोर्स की बात करेगा। भैया आगे का प्लान क्या है? यार तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हो, मैं बात करूंगा ना शिवराम से। शिवराम का डिवोर्स पेपर पे साइन चाहिए ना, मैं लाऊंगा। हाँ ठीक है, पर भैया संभाल के,
कहीं बेचारे शिवराम का उसकी असली वाइफ से डिवोर्स मत करा देना। शशिकला ही सुहाना है। सुहाना से मेरा रिश्ता क्या है? मैं उसे प्यार करता था और फिर उसकी शादी शिवराम से हो गई। तभी तो मुझे बार बार शशिकला जी का चेहरा दिखाई देता है। मैं शशिकला जी को यहां से ले जा रहा हूं। आज से शशिकला जी हमारे यहां रहेगी। तो मैं पीछे भी नहीं हट सकता। शशिकला जी के ससुराल से उन्हें यहां पे लेके आए। अब तो मुझे उन्हें अपनाना ही पड़ेगा। ईशान भाई आपकी चाय। तू अब आ रही है चाय लेके? ईशान भाई सॉरी, आज ना मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। हाँ हाँ देख रहा हूँ, कुछ दिनों से तेरे नाटक कुछ ज्यादा ही बढ़ रहे हैं। नहीं ईशान भाई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक तो वैसे ही मेरे मोहल्ले में इतना हंगामा हो रहा था सुबह से, मैं बहुत परेशान हो गई। क्या हुआ ऐसा? शान भाई, वो जो शंकर है ना। कौन शंकर? अरे वही मेरे मोहल्ले में रहता है, एक नंबर का लुच्चा लफंगा। सुबह से ना मेरे मोहल्ले वाले उसकी खूब धुलाई कर रहे, खूब धुलाई की। क्यों? कोई चोरी की है क्या उसने? शान भाई चोरी की होती कोई बात ही नहीं होती, उसने जो काम किया है ना तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है। पर मैं आपको बताती हूँ, अब वो अपना चंदर है ना। कौन चंदर? अरे वो चंदर मेरे मोहल्ले का साइकिल मैकेनिक। अरे मैं क्या तेरे पूरे मोहल्ले वाले को जानता हूँ क्या? अच्छा छोड़िए, वो शंकर ना चंदर की बीवी को लेकर कल रात भाग गया। क्या हुआ ईशान भाई? और आज सुबह ना वापस लेके भी आ गया। फिर मोहल्ले वालों ने ये सुबह उसकी धुलाई की है ना, ये मारा, इतना मजा आया ना, अच्छा हुआ। अरे बताइए भला किसे दूसरे की बीवी को लेके भागना चाहिए क्या? प्यार करने के लिए उसे दूसरे की बीवी मिली थी। अच्छा शान भाई आप भी बताइए, दूसरे का बना बनाया घर बिगाड़ना चाहिए क्या? गलत बात है ना, है कि नहीं? हाँ हाँ। मोहल्ले वाले दोनों उसे पुलिस के हवाले कर रहे थे। पर बेचारे चंद्र को ना उस पे थोड़ी सी दया आ गई। पर मैं तो कहती हूँ ना उसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। बताइए कल के दिन अगर वो दूसरे की बीवी को लेके भाग गया तो क्या? जा अपना काम कर। ऐसे कैसे भाग सकता है? मीना सुन, वो क्या कौन नहीं गया था? अरे वो शंकर लुच्चा लफंगा। हाँ शंकर तो भगा की ले ही गया था, तू वापस क्यों आया? अरे वो पिटने से तो बच जाता। उसकी अक्कल ठिकाने आ गई थी ना, समझ में आ गया था उसको कि दूसरे की बीवी के साथ रहना इतना आसान नहीं है। वैसे शान भाई इस सब से ना हम लोग को एक सीख लेनी चाहिए। क्या सीख? यही कि दूसरे की बीवी और दूसरे के पति को भगा के नहीं ले जाना चाहिए। चल जा काम कर अपना। चल जा। उधर चंदर की बीवी, उधर शिवराम की बीवी। अरे मैं क्या शंकर हूं? पीट क्या हुआ? क्या ढूंढ रहे हो? मेरी शेविंग किट।
यहीं कहीं तो रखी थी मैंने। एक मिनट। लेकिन पन्ना ये तो ब्रांडेड है। हाँ तुम्हें ब्रांडेड चीजें पसंद है ना। अफसोस तुम्हें फैमिली ब्रांडेड नहीं मिली। टॉन्ट करी हो ना मुझे पन्ना। पन्ना प्लीज ना प्लीज बहुत तड़पाऊ मैं तुम्हारे पास वापस आने के लिए इस घर के लिए अपनी फैमिली के लिए अपनी नाकामी से हार कर मैं तुम सबको भुला बैठा था और उसकी सजा मैं पा चुका हूं। अब कम से कम तुम तो मुझे अजनबी मत बनाओ। अजनबी नहीं रोना ये घर तुम्हारा है। तुम्हारी एक एक चीज मैंने अमानत की तरह संभाल के रखी। पापा से पूछ सकते हो किस तरह इस घर को बचाया है हमने। मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज बेच दी। मम्मी जी ने अपने म्यूचुअल फंड सेविंग सब बेच दी। सब कुछ वैसा है रौनक जैसे पहले था। ये सब कुछ तुम्हारा ही है रौनक। तुम क्यों अजनबी की तरह महसूस कर रहे हो? बता प्लीज नहीं चाहिए मुझे ये घर ये लग्जरी। मुझे बस अपनी फैमिली वापस चाहिए। मुझे मेरी पन्ना वापस चाहिए बस। मुझे भी मेरा रौनक वापस चाहिए था लेकिन उस रौनक को तो मैं तुम्हारे घर छोड़ने से पहले ही खो चुकी थी। क्या हुआ? अरे मैंने क्या किया है? अरे अब चाची को वापस ले आए ना। आई मीन शशिकला आंटी को। एक बात बता तू खुश है? बहुत। ईशान भैया घर में सब लोग बहुत खुश है। आपने बहुत अच्छा किया जो शशिकला जी को घर वापस लेकर आए। हाँ चाचू और आप ना शशिकला आंटी को अपने रूम में ही रहने दीजिएगा। बुआ के रूम में उन्हें नींद नहीं आती है ना। नहीं वो मेरे कमरे में नहीं रह सकती। क्यों? छोड़ आप नहीं समझो। भैया मैं तो कहता हूँ कि आप शशिकला जी से शादी कर लीजिए। पर इन दोनों की तो शादी हो चुकी है ना। क्या? अरे मीठी क्या कह रही हो तुम मीठी? नहीं भैया इसका मतलब है कि शशिकला जी की शादी हो चुकी है। हाँ हाँ पता है उस घटिया शिवराम से ना। पर तुम भूल जाओ शिवराम का शशिकला जी के साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है इसीलिए तो कह रहा हूँ आप शादी कर लीजिए। अरे क्या कब से कर लीजिए जब मोहल्ले वाले पीटने आएंगे तो तू आएगा बचाने? मोहल्ले वाले? कौन से मोहल्ले वाले? अरे वो मीना बता रही थी कि दीपक इधर ये बात बताओ शशिकला जी ठीक है ना? मीठी बड़ों की बात नहीं सुनते ओके? मेरा मतलब है मेरी और शशिकला की जोड़ी निभ तो पाएगी ना? कब से निभी तो रही है। मतलब मेरा मतलब है कि शशिकला जी बहुत अच्छे स्वभाव की है। मीठी तुम्हें शशिकला जी अच्छी लगती है ना? बहुत। पर चाचू आप शादी में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? अब तो वो वापस आ गई है ना? हाँ दीपक ये शिवराम ये क्या पावरफुल आदमी है क्या? क्यों? नहीं वो कुछ नहीं। एक काम करो ना मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे प्लीज? शशिकला आंटी से शादी करेंगे ना चाचू? इसी बहाने मुझे नई ड्रेस तो पहनने को मिलेगी। हाँ अभी एक काम करो आप जाओ ओके?
क्या है, क्यों खड़ा होके घूर रहा है, जाना। बाय चाचू। अरे बताइए, भला किसी दूसरे के बीवी को लेके भागना चाहिए क्या? बोलने वालों ने सुबह इसकी धुलाई की है ना, मरेंगे मरेंगे मरेंगे। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।